जयपुर ग्रामीण पुलिस को मिली सफलता। 3 माह पूर्व टैक्सी चालक के साथ हुई लूट का गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक श्री शंकरदत्त शर्मा IPS ने आज जानकारी देते हुए बताया कि थाना गोविंदगढ़ के प्रकरण संख्या 123/21 धारा 392 323 341 भादस में 3 माह पूर्व टैक्सी चालक के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए धर्मेंद्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के सुपरविजन में संदीप सारस्वत RPS वृत्ताधिकारी वृत्त गोविंदगढ़ के निर्देशन में थानाधिकारी थाना गोविंदगढ़ विक्रांत शर्मा पूनी के नेतृत्व में पुलिस थाना गोविंदगढ़ की विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा अथक प्रयासों से वारदात का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों मनराज गुर्जर पुत्र पुखराज गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी ढाणी धनादा लालसर ग्राम पंचायत पाल थाना गदमोरा तहसील नानोती जिला करौली व शीशराम पुत्र कैलाश चंद गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 21 साल निवासी ढाणी धनादा लालसर ग्राम पंचायत पाल थाना गदमोरा तहसील नानोती जिला करौली को जामडोली जिला जयपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को पुरस्कार श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्री शंकरदत्त शर्मा IPS द्वारा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त की गई सफलता की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र व नगद पुरस्कार की घोषणा की। जी क्या करना थी? दिनांक 2 अप्रैल 2021 को मुकेश शर्मा निवासी मालवीय नगर जयपुर जो कि उबर टैक्सी के चालक हैं, इन्होंने रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाना में आकर कराई थी कि 2 व्यक्तियों ने जयपुर से एक कैब बुक की और कैब बुक करने के बाद खाटू श्याम जी चलने के लिए इन्हें कहा तो हस्तेड़ा के पास आकर जो गोविंदगढ़ इलाका में पड़ता है हस्तेड़ा के पास आकर इन्होंने इस कैब चालक को रुकवाया और इससे मारपीट करनी प्रारंभ कर दी और इससे कैब छीनने का प्रयास करने लगे। जब इसने शोर मचाया तो आसपास के लोग आने लगे तो इन्होंने इसके जेब में जो 18,200 रुपये थे वो छीन कर और इसके ड्राइविंग लाइसेंस और RC को लेकर ये व्यक्ति फरार हो गए और फिर इन्होंने अगले दिन आकर थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो इसके संबंध में इसकी जो घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय शंकरदत्त शर्मा जी ने हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को इस घटना का जल्द से जल्दी खुलासा करने का निर्देश दिया और इस संबंध में मेरे सुपरविजन में थानाधिकारी गोविंदगढ़ विक्रांत शर्मा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया और ये व्यक्ति जिस नंबर से इन्होंने कैब बुक कराई थी उसको बंद कर चुके थे तो हमारी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी आसूचना के आधार पर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही व्यक्ति जो है ये करौली के रहने वाले हैं। इनका नाम है मनराज गुर्जर जो कि करौली के धनादा लालसर गांव का रहने वाला है और दूसरा शीशराम गुर्जर जो करौली के धनादा लालसर गांव का निवासी है और अभी इनका पुलिस कस्टडी न्यायालय से मांगी जाएगी ताकि इनकी शिनाख्त परेड और बाकी बरामदगी का जो कार्य है वो किया जा सके।